गाजियाबाद के सोसाइटी में रहने वाले कुत्तों से परेशान होकर स्थानीय निवासी क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोगों ने रिपब्लिक में चौराहे पर जाकर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते कल एक मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला बोल दिया था, वहीं उससे पहले एक महिला को भी काट चुका है कुत्ता। इसके अलावा गाजियाबाद में तमाम तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार कुत्तों के हमले से आम नागरिक बिल्कुल त्रस्त है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े कुत्ते का शिकार होने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, सभी इन कुत्तों से परेशान हो गए हैं और शासन से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो रहा। गाजियाबाद के रिपब्लिक क्रॉसिंग पर एक ढाई साल के बच्ची को किस तरह काट लिया, इसको लेकर नई बैंक की तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम, 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 उनकी नसबंदी करके उनको वहीं छोड़ दिया गया। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें चाहते हैं कि बेटा आए और परमानेंट सॉल्यूशन दे। ये सब चीजें करके होगा क्या? चार से पांच लोग बैठ जाएंगे, फिर प्रशासन नहीं सुनेगा, आप क्या करेंगे? इतनी सारी बेसिक प्रॉब्लम है, उनको आके सुने, समझे, देखे, आके सॉल्यूशन दे। हमें सॉल्यूशन चाहिए परमानेंट। तो देखा आपने किस तरह यहाँ महिलाओं में शिक्षा रोजगार, यहाँ के जो स्थानीय सांसद और जाने का, लेकिन महिलाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और भी हमारे संग काफी लोग, क्या कहना आपका? ये सरकार जो आज मेहता गांधी जी ने कहा था कुत्तों को नहीं मार रहा, ये जब से मेरा घर, उससे पहले कुछ नहीं था, कुत्ते ले जाते थे, मारते थे, वापस ही आते थे, अब कुत्तों की इमरजेंसी करके फिर नसबंदी करके फिर वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे समस्या हल नहीं हो रही, समस्या बढ़ रही है। सर बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर चारों ओर से ट्रैफिक को जाम किया हुआ है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रेजिडेंस का जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बच्चे की हालत काफी नाजुक है और पुलिस प्रशासन ने कल से अभी तक बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज लॉन्च नहीं की। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, इनका आरोप है, तो यह धरना प्रदर्शन इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन ऋतिक संग, प्रवीण अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, लगातार स्थानीय लोगों की मांग है कि कुत्तों से हमें निजात मिले, और वहीं प्रशासन और शासन के पास जब इसकी शिकायत की जाती है तो वो सुनते नहीं, क्या कुछ अपडेट है और स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये मामला है गाजियाबाद के रिपब्लिक क्रॉसिंग का, पंचशील सोसाइटी है यहाँ पर, आपको पंचशील नहीं, मैं आपको यहाँ पे जितनी सोसाइटी है क्रॉसिंग सभी का एक ही जैसा हाल है। अभी लगभग 2 वर्ष के बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसी को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है क्रॉसिंग के, वह कल शाम 4 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रात को यहाँ पे पुलिस के बड़े अधिकारी भी आए, CO मैडम भी आए और यहाँ पे सिटी मिनिस्टर भी आए, सभी ने कहा कि FIR लॉन्च हो जाएगी, लेकिन आज सुबह तक FIR बिल्डर के खिलाफ लॉन्च नहीं, जिससे कि स्थानीय लोगों में गुस्सा ज्यादा हो गया और जो जाइए वो नोएडा के फोर्टी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कितना कुछ होने के बाद भी जो ये प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कर पा रहा, यह भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते किस तरह से सैकड़ों महिलाओं ने आज मेन रोड जो हाईवे है उसको जाम कर दिया, जब अनुपालन अधिकारियों के हाथ सब बड़े अधिकारी यहाँ पर 4 बजे शाम का टाइम दिया था कि बिल्डर और बिल्डर ना तो आया है और उसी से गुस्साए, फिर अब यह सब लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक से हट के यहाँ थाना विजयनगर का घेराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो ये बच्चा है इसको काटा, इसी सोसाइटी में 2 महिला को भी अभी 2 दिन पहले काटा था, इसी से यह काफी सुसाइड हो गया। प्रशासन को चाहिए कि बिल्डर के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह भी एक बड़ा विषय।
प्रवीण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।